नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, जानेंगे और कवर करेंगे, जी हाँ, बॉडमास क्या होता है, जिसको बिगड़िया भाषा में कहते हैं बदमाश। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बॉडमास क्या होता है, बॉडमास का पूरा नाम क्या होता है, बॉडमास पे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, सारी चीज़ों का स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। सो वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहिए। फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ हमारे चैनल पीसीएम नॉलेज को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। एस माय नेम इज अनुप कुमार विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं पीसीएम नॉलेज चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, हम लोग को पढ़ना बॉडमास, क्या पढ़ना है बॉडमास। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि बॉडमास होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं BODMAS, ये होता है बॉडमास। अब इसमें जो एक एक वर्ड होता है उस सबका अलग अलग फुल फॉर्म होता है। जैसे बी मिस होता है, यहाँ पे बी मिस होता है ब्रैकेट, क्या होता है BRACKET, और ब्रैकेट मिस क्या होता है कोष्ठक, क्या होता है कोष्ठक। अब जो कोष्ठक होता है ना, कोष्ठक तीन चार प्रकार का होता है, जैसे यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करते हैं। जैसे एक होता है छोटा कोष्ठक, ये होता है मझला कोष्ठक, ये होता है बड़ा कोष्ठक, और एक होता है रेखा कोष्ठक। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो ऊपर वाला देख रहे हैं इसको कहते हैं छोटा कोष्ठक, क्या कहते हैं छोटा कोष्ठक। ठीक है, और ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं मझला कोष्ठक, क्या कहते हैं मझला कोष्ठक। अच्छा, ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं बड़ा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। और ये जो नीचे वाला है इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक, क्या कहते हैं रेखा कोष्ठक। तो ये चार कोष्ठक होता है। अच्छा, आप पूछेंगे कि कोष्ठक की आवश्यकता क्यों पड़ी, कोष्ठक क्यों लगाया जाता है। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका खेत है, बगल में किसी का और खेत है, तो वहाँ पे ऐसा होता है ना कि आपके खेत का पानी उसके खेत में ना जाए, इसीलिए वहाँ पे बाड़ लगा जाता है, मेड़ी बना जाता है। तो इसीलिए दो अथवा दो से अधिक चीन एक पास में नहीं रह सकते हैं, इसीलिए कोष्ठक की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो यही यहाँ पे होता है बी मिस होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट मिस क्या होता है कोष्ठक। ठीक है, और कोष्ठक चार प्रकार का होता है, छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक और रेखा कोष्ठक। ठीक है, अच्छा इसको यहीं पे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते ओ ओ ओ मिस होता है ऑफ, क्या होता है ऑफ। ऑफ मिस होता है का के की। ठीक है, अच्छा बात करते हैं डी, क्या बात करते हैं डी। डी मिस होता है डिवीजन, क्या होता है DIVISION, एंड डिवीजन मिस क्या होता है भाग, क्या होता है भाग। अच्छा अब बात करते हैं एम का, एम मिस होता है मल्टीप्लाई, MULTIPLY, और मल्टीप्लाई मिस क्या होता है मालूम होगा आपको गुणा, क्या होता है गुणा। अच्छा बात करते हैं ए का, तो ए मिस क्या होता है एडिशन, क्या होता है ADDITION, और एडिशन मिस क्या होता है जोड़ना अथवा क्या होता है जोड़। अच्छा एक लास्ट बचा है एस, एस मिस क्या होता है सब्सट्रैक्शन, SUBSTRACTION, एंड सब्सट्रैक्शन मिस क्या होता है घटाना। ठीक है, तो ए होता है बॉडमास, तो यहाँ पर लिख लेते हैं घटाना, तो ए होता है बॉडमास और इसका पूरा नाम होता है बी मिस होता है ब्रैकेट, ओ मिस होता है ऑफ, डी मिस डिवीजन, एम मिस मल्टीप्लीकेशन, ए मिस एडिशन, और एस मिस क्या होता है सब्सट्रैक्शन, जिसको क्या कहते हैं घटाना। ठीक है, तो ये तो बॉडमास। तो आपको बताया कि बॉडमास की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दो अथवा दो से अधिक चिन्ह एक साथ में नहीं रह सकते हैं, इसलिए किसकी आवश्यकता पड़ी बॉडमास की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, अच्छा इसके लिए एक कविता भी है, वो तो कविता क्या है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। कविता ए है, ऐसे डबल यूनिटेड का नाम लिखते हैं, काको पहले काट ए, काको पहले काट ए ता पीछे दो भाग, ता पीछे दो भाग। ठीक है, गुणा करो धन जोड़ लो, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को दियो घटाए, ऋण को दियो घटाए। तो एक इसके लिए पोयम भी होती है, काको पहले काटिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ लो, ऋण को दियो घटाए। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है भाग करना है,
भाग के बाद गुणा करना है, गुणा के बाद जोड़ना है, और जोड़ना के बाद क्या करना है, घटाना करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि पहले घटाना करेंगे, फिर जोड़ करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर भाग करेंगे, तो ये प्रोसेस आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपको भाग करना है, भाग करने के बाद क्या करेंगे, गुणा, गुणा करने के बाद जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद घटाएंगे। यदि इतना सब कंडीशंस फॉलो करता है उस क्वेश्चन में तो इसको करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसके बेस पे दो तीन हम एग्जाम्पल लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर वन की बात करते हैं, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन पुटअप करते हैं और इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रैकेट में 4 + 7 × 3 और इसका मान कितना होगा। बहुत सिंपल सा बेसिक सा ये फार्मूला है, तो इसको सॉल्व कीजिए। तो आपको मालूम होगा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, तो 7 और 4 कितना होता है 11, और गुणे 3 करेंगे तो 11 × 3 कितना होता है 33, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 33। तो आई होप आपको एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझ में आया होगा। देन चलिए एग्जाम्पल नंबर सेकंड की बात करते हैं, और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में क्वेश्चन ए पुटअप होता है। सबसे पहले इसको नोट करते हैं, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है और इसमें दिया है 12 − (2)×5 और इसका आंसर क्या होगा। तो आपको मालूम होगा कि सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए हो जाएगा 12 − 5 × 10। अब देखिए 12 में से 10 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ये भी बेसिक सा सवाल था। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे नोट करते हैं, एंड क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ब्रैकेट में ए 60/10 और −8। अब इसका आंसर क्या होगा, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो जब 60 में 10 का भाग देते हैं, 10 × 6 = 60, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6 − 8। अब देखिए 6 में से 8 कटेगा नहीं, तो 8 में से 6 कटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा −2, और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा होगा कि बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं, 3 के बाद यहाँ पे 4 पुटअप करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 25 + (3)×8 एंड इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 25, ये प्लस हो जाएगा 8 × 3 कितना होता है 24, ये हो गया 24। अब इन दोनों को जोड़ना है, 5 × 4 कितना होता है 9, और 2 × 2 कितना होता है 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49, कितना होगा 49। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करते हैं, एंड इसमें कह रहा है कि 10 / (17 − 15। तो सबसे पहले देखिए ये जो आपको फार्मूला बताएं, काको पहले काटिए ता पीछे तो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, रीढ़ को दियो कठा है, तो उस फार्मूला का यूज कब करना है, जब 2 अथवा 2 से अधिक इसमें ब्रैकेट भी दिए रहेंगे, सिंबल्स भी दिए रहेंगे तब। लेकिन आप देख रहे हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट दिया, तो ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 10 / 17 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 2। अब 10 में 2 का भाग देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 5 × 10 अथवा 2 × 5 = 10, तो ये इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 3 × (12 − 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत बेसिक सा सवाल है, तो ये हो जाएगा 3 × 12 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा 8। अब 3 × 8 = 3 कितना होता है 24, ये हो गया 24, और इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे नोट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 9 − (2)·7। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, ये हो जाएगा 9 − 7 × 14। अब क्या 9 में से 14 घटेगा, नहीं घटेगा, तो 14 में से 9 घटाते हैं तो 9 × 5 कितना होता है 14, ये हो गया 5। लेकिन बड़ी संख्या माइनस में, तो ऑलरेडी आप क्या हो जाएगा −5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है ब्रैकेट में 24 / 6 − 10। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो आपको मालूम होगा 6 का भाग देते हैं 6 × 6 = 24, तो ये हो जाएगा 4 − 10। अब 4 में से 10 घटेगा नहीं, 10 में से 4 घटाएंगे तो आंसर कितना हो जाएगा −6, क्योंकि हमेशा आपको बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पुटअप होता है, यहाँ दिया 1/2 × (20 − 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 1/2 को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं, 20 में से 4 घटाएंगे कितना हो जाएगा, तो 20 में से 4 घटाएंगे 16 हो जाएगा, तो ये हो गया 16।
अब जब 1/2 का इसमें गुणा करेंगे तो इसका रूल होता है नीचे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा, अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में करते हैं तो ये हो जाएगा 16/2। एंड आपको मालूम होगा 2/8 कितना होता है, 16, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लगाई क्वेश्चन नंबर 9 तक का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। यदि आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसी के बेस पे और सारे क्वेश्चन है तो उसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 9 * 6 * 6 -42, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा 9 * 6 कितना होता है, अथवा 6 * 9 कितना होता है, 54 होता है, ये हो गया 54, और माइनस कितना है 42, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे 2, और 5 में से 4 घटाएंगे 1, तो इसका 12 कितना हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पुटअप होता है 50 - 4 * 9। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 - 9 * 36, ठीक है। अब यहाँ पे घटाते हैं तो 50 में 36 घटाते हैं तो 10 में 6 घटाएंगे 4, और 4 में 3 घटाएंगे 1, मतलब 14 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पुटअप होता है कि 27 भागा ब्रैकेट में 81 भागा 9। तो इसमें देखना है टोटल सब आपको भाग ही देना है, तो सबसे पहले ब्रैकेट वाले को भाग देंगे तो 27 को ज्यों का त्यों लिखेंगे भागा, अब 9 * 9 कितना होता है 81, ये हो गया 9, अब 9 * 3 का कितना होता है 27, तो 3 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि बोर्ड मार्क्स का सवाल किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, बड़े भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे आगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 13 पुटअप हो रहा है कि 5 * 11 ब्रैकेट में 5 * 11 और दिया माइनस ब्रैकेट में 3 * 20। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको मालूम होगा कि देख रहे हैं कि दोनों में गुणा ही है और दोनों ब्रैकेट है, तो सबसे पहले चाहे जिधर का भी गुणा कर लेते हैं इसमें, तो 11 * 5 = 55, ये हो गया 55 माइनस 20 * 3 = 60। अब देखिए छोटी संख्या में से बड़ी संख्या घटता नहीं है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा लेते हैं तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और 5 में से 5 घटाएंगे 0 हो जाएगा, मतलब 55 * 5 कितना होता है 60 होता है, लेकिन देख रहे हैं बड़ी संख्या किस में है माइनस में, तो -5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन किस प्रकार किया गया, ठीक है। अच्छा चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग बात करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 14 को सबसे पहले नोट डाउन करते हैं फिर इसका सॉल्यूशन करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 14 पुटअप होता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है ये, और इसमें क्वेश्चन है ब्रैकेट में 30 - 12 * 20 / 10। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देख रहे हैं सबसे पहले क्या भागा फिर घटाना, तो सबसे पहले भाग को सॉल्व करेंगे फिर किसको घटाने को, क्योंकि आपको एक कविता बताया गया आपको पहले काटिए ता पीछे दो भाग गुणा करो धन जोड़ लो रेट को दियो घटाए, सबसे पहले आपको भाग करना है फिर गुणा करना है फिर जोड़ना है फिर घटाना है, तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो इसको वैसे लिख देते हैं अभी ज्यों कहते हो, तो ये हो जाएगा 30 - 12 * 10 * 20, ये हो गया 2। अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तो 30 में से 12 घटाते हैं, 10 में से 2 घटाएंगे 8 और 2 में से 1 घटाएंगे 1, 18 * 2 हो जाएगा 18 * 2 कितना होता है 36, और ये इसका क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आएगा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 पुटअप होता है कि ब्रैकेट में 16 + 11 ब्रैकेट में 16 + 11 ब्रैकेट बंद माइनस ब्रैकेट में 5 * 6। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख रहे हैं गुणा, तो सबसे पहले गुणा को सॉल्व करेंगे फिर जोड़ को, तो इसको ज्यों का त्यों लिखेंगे ये 16 + 11 हो जाएगा, और 6 * 5 कितना होता है 30, तो -30। अब इसको जोड़ लेते हैं तो ये 6 = 1 हो जाएगा 7, और 1 = 1 कितना हो जाएगा 2, तो 27 - 30। आपको मालूम होगा कि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या नहीं घटती है, तो बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या को घटाते हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लगाते हैं, 30 में से 27 घटाएंगे कितना हो जाएगा 3, लेकिन आंसर किस में होगा -3, और यही फाइनली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन समझ में आया होगा। देन चलिए इसको रफ करते हैं, और 2-3 एग्जांपल और भी हैं तो उसको भी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 को यहाँ पर नोट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें दिया 8 * 6 ब्रैकेट में 8 * 6 भागा भागा, और यहाँ दिया ब्रैकेट में 1.5
2.5। तो आइए इसको भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम होगा सबसे पहले क्या क्या आता है, गुणा। तो सबसे पहले गुणा करते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 8 × 48 भागा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, तो 1.5 और 2.5, तो 5 × 5 = 10, 2 × 1 = 3, 1 = 4, ये हो जाएगा 4.0, मतलब 4 हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, ये हो जाएगा 48। अब आपको मालूम होगा 0.5 का मत तो नहीं होता है, तो 48 भागा कितना हो जाएगा 4। अब 4 का इसमें भाग दे देते हैं, 4 × 4 = 8, मतलब 12 × 48। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मतलब 12 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 17 पुटअप होता है कि आपको भाग देना है ऐसे 20 − (10 − 3 + 2)। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपको मालूम होगा सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा 20 − (). अब ये कितना हो जाएगा, 10 × 2 = 12, 12 में से 3 घटाएँ कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9। तो 20 में से 9 भी घटा लेते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा 11। और यही फाइनली इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपको भाग देना है, ऐसे दिया क्वेश्चन 50 − फिर बड़ा ब्रैकेट लगाया, फिर यहाँ दिया 20 + फिर मझला ब्रैकेट लगाया है, फिर यहाँ पे 30 − फिर छोटा ब्रैकेट में 20 − 5। अब ये मझला ब्रैकेट भी बंद करते हैं और बड़ा ब्रैकेट भी बंद करते हैं, तो इसमें देख रहे हैं कि तीनों ब्रैकेट का यूज हुआ है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर मझले को, फिर बड़े को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 50 को ज्यों का त्यों लिखते हैं माइनस, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, 20 को ज्यों का त्यों लिखते हैं प्लस, मझला ब्रैकेट लगाते हैं। अब ये हो जाएगा 30 − अब 20 में से 5 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15, ये हो गया 15। अब देखिए छोटा ब्रैकेट यहाँ से ख़त्म हो गया, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 50 − बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, ये हो जाएगा 20 + अब 30 में से 15 घटाएंगे कितना हो जाएगा 15। तो देखिए मझला ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, एक स्टेप और बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा 50 − अब 20 और 15 कितना होता है 20 × 10 = 30 × 5 = 35, तो ये हो गया 35। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट भी ख़त्म हो गया, अब फाइनली 50 में से 35 घटा लेते हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 और 4 में से 3 घटाएंगे 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 15, जी हाँ, कितना हो जाएगा 15। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बोर्ड मार्क्स क्या होता है, बोर्ड मार्क्स के बेस पे कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल PCM नॉलेज को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किस किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में आपसे मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।